अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से कमाल की रेसिपी, अथेंटिक रेसिपी, कमर्शियल रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जब मैं आपको ये लफ्ज कहता हूं कि आप YouTube पे चेक किया करें या देखा करें कि जो रेसिपी मैं आपको दे रहा हूं वो पहले से वहां मौजूद है या नहीं है, तो ये मैं दावे से कहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखा तो करें कि जिस तरीके से पहले आपको चीज बनाना बताया गया होता है उस तरीके से मेरा तरीकाकार ही अलग है, कमर्शियल तरीका है, अथेंटिक तरीका है। इंशाल्लाह आप बनाए। क्या चीज बता रहा हूं आपको? लाल शरबत। मैं किसी ब्रांड का किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता। लाल शरबत आप समझ गए होंगे कौन सा होता है। लाल शरबत की रेसिपी, ओरिजिनल रेसिपी, मैं बताऊं किस तरह तैयार होता है, आइए देखिए। ये मैंने, मेरे पास गोंद कतीरा था, इसको गोंद कतीरा कहते हैं, मुझे इस फार्म में मिला ये गोंद कतीरा। मेरे टिप्स को तवज्जो से समझेंगे सुनेंगे तो आपके बहुत काम आएगी। ये मेरे पास गोंद कतीरा था, इसको मैंने 20 ग्राम गोंद कतीरा 1 किलो पानी में, 1 लीटर पानी में डाल के भिगो दिया 3 घंटे के लिए। इस कंडीशन में आ गया, ये देख लें, ये इस कंडीशन में आ गया। 1 किलो पानी में मैंने भिगो दिया 20 ग्राम गोंद कतीरा। इस पैन में डालने लगाऊं, ये देखें इस पैन में मैंने डाल दिया। यहाँ चढ़ा दें, फ्लेम को ऑन कर दें। ये मेरे पास 1 किलो पानी था, 1 लीटर पानी दोबारा से मैंने ले लिया, आप किलो कहें लीटर कहें जो भी है, ये 1 लीटर पानी मैंने ले लिया, क्योंकि हमारे पास जो मग्गा होता है वो किलो के मेजरमेंट का है, इसलिए मैं आपको किलो का बता रहा हूँ। ये संदल की लकड़ी है, ये संदल की लकड़ी, इसको भी मैंने तीन घंटे पहले पानी में डिप कर दिया 10 ग्राम लकड़ी को, 10 ग्राम थी ये संदल की। ये सारी मुझे मिली है 50 रुपये की, ये 50 रुपये की मिली है ये सारी, ये भी ये भी, ये मैंने 10 ग्राम इसमें भिगो दी। इसके साथ का पैन ले लें, इसको इसके अंदर 3 घंटे के बाद इसको मैं ड्रेन करने लगा। ये ड्रेन कर लिया मैंने इसको, इसको यहाँ रख दें, दूसरा फ्लेम ऑन कर लें, इसके ऊपर चढ़ा दें। अब दोनों को मैं गर्म कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ, इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है आप मेरे साथ रहेंगे। ये नहीं, ये जो गोंद कतीरा मैंने रखा था 1 किलो पानी के अंदर डाल के, ये देखें इस तरीके से गर्म हो गया है, फ्लेम को बंद करने लगा हूँ। तवज्जो से मेरी बात सुने, ओरिजिनल रेसिपी दे रहा हूँ, इसको स्टेनर से स्टेन करना है हमने, ये देखें इस तरीके से ठीक हो गया। ये देखें, ये इसको कहते हैं गोंद कतीरा, बात को समझा करें। इसको अच्छे तरीके से मैं सारा इसका जो है ना अच्छे तरीके से स्ट्रेनर से निकाल लूँ, जो उसका एक्स्ट्रा से बचेगा वो मैं वेस्ट कर दूँगा, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, बात को समझा करें। ये देखें, ये देखें इस तरीके से आप इसको कर लें, ये देखें, ये लेवर इस कंडीशन में आ गया, देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको ऐसे कर लिया। थोड़ा सा पानी डाल दें, ये देखें बस आधा कप जितना, ताकि इसके अंदर से हमें जो भी चीज़ इसकी हमें चाहिए होगी वो निकल आएगी। ये देखें इस तरीके से, अगर कोई मुझे बंदा देख रहा है जो लोग ये मशरूबात का काम करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं भाई, कमेंट में कॉल करके भी बता सकते हैं, क्या मैं गलत क्या बता रहा हूँ आपको। ये अथेंटिक रेसिपी, आप लोगों से तजर्बात में जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ, ये इस तरीके से इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये मैं 20 ग्राम था ये टोटल, ये भी मैं 50 रुपये का लेके आया था, ये गोंद का तीरा 50 रुपये था। जो आइटम मैं बताता हूँ ये महंगे नहीं होते, वो आप बात को समझा करें। ये 20 ग्राम का, ये देखें इतना सारा निकल गया, इसको यहाँ रख दें। इसका पानी चाहिए, हमें इसका पानी चाहिए। अब हमने करना क्या, दूसरी टिप्स मेरी सुन लें, वुड का चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे, लाल शरबत बनाते वक्त चम्मच वुड का यूज होगा, ये स्टील का या सिल्वर का यूज नहीं करेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए। ये चम्मच इसमें डाल दें, आप इधर आ जाएं, ये मेरे पास वेट मशीन है, ऑन कर लें, इसको यहाँ रख दें, इसको जीरो पे कर लूँ मैं। 1.5 किलो चीनी ले लेनी है हमें, 1500 ग्राम, 1.5 किलो, ये लें 1.5 किलो चीनी मैंने ले ली, ये देख लें, ये लें जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने आधी चीनी इसमें डाल देनी है, आधी चीनी, ये देखो आधी चीनी डाल दी, आधी मैंने बचा ली, आधी चीनी यहाँ रख दें। अब इसमें आपने क्या चीज़ शामिल करनी है, ये देखें सैफिक एसिड टार्ट्री 1 टीस्पून, ये देखें ये 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल कर दें, कर दी शामिल, फ्लेम को ऑन कर दें, ऊपर चढ़ा दें,
फ्लेम को ऑन कर दें और इसको चीनी को जस्ट मेल्ट करने दें, होने दें। जब ये मेल्ट हो जाएगी फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करनी है आपने। व्यूअर, चीनी वाले पानी को बॉयल आ गया, उसके बाद मैंने इसका जो फ्लेम है वो स्लो कर दिया, ठीक है, मीडियम से भी कम कर दिया। अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास संदल वाला पानी था जो मैंने एक लीटर रखा हुआ था, इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ, ये गर्म है, इस टाइम पे आके इसका फ्लेम बंद कर दें, गर्म पानी इसमें शामिल करें, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, गर्म पानी आपने डालना है, एक लीटर पानी शामिल कर दें इस टाइम पे गर्म, उस टाइम नहीं दाब देना, जो बकाया चीनी हमने बचाई थी 1.5 किलो में से वो भी शामिल कर दें इस टाइम पे आके। अब इसमें क्या चीज़ शामिल होगी, 2 टेबलस्पून मेरे पास लेमन का जूस है, जब मैं लेमन का जूस कहता हूँ तो ये बोतल वाला होता है, मार्केट से परचेज किया हुआ होता है, ये शामिल करते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इस टाइम पे आके क्या करना है आपने, ये मेरे पास अरके गुलाब है, ये देखें अरके गुलाब ले लें, ये देखें ये हाफ प्याले से कम है, ये अरके गुलाब ये इसके अंदर शामिल कर दें और इसको आप पकने दें स्लो फ्लेम पे, 5 से 6 मिनट इसको पकने दें, उसके बाद इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये ले व्यूअर, ये पक रहा है, जब ये पकना शुरू हो जाएगा, फ्लेम मेरा स्लो है, स्लो फ्लेम पे पका रहा हूँ, जब ये पकेगा ऊपर ये चीनी की मैल होती है ये आनी शुरू हो जाएगी, इसको आपने ऐसे स्ट्रेनर ले लें, एक स्ट्रेनर की मदद से ऐसे निकाल दें, देखें ये ऐसे सारी मैल निकालते रहें साथ साथ। हमें शीशा चाहिए, लाल शरबत चाहिए लेकिन शीशा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए हमें उसके अंदर कचरा गंद ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी बता रहा हूँ आप लोगों को, आप ये इस तरीके से करें जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये देखें ये जो गंद वगैरह इसके ऊपर आ जाता है, ये रिमूव करते रहेंगे इसका, आप भी इस तरह कीजिएगा, ये थोड़ा सा और पक जाए फिर इसके अंदर क्या चीज़ शामिल होगी आप कहेंगे, कोई चीज़ मैंने बना के आपको दिखाई है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें पकते हुए इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं, मैं इसको स्लो फ्लेम पे पका रहा हूँ और जो इसकी मैल ऊपर आ रही है वो मैं इसको रिमूव करता आ रहा हूँ। ओरिजिनल रेसिपी लाल शरबत की रेसिपी, मैं किसी मजबूरियों की वजह से, कुछ मामलात की वजह से उनके नाम लेना नहीं चाहता कंपनियों के, लेकिन ये आप ट्राई करेंगे ओरिजिनल वही चीज़ बन के आपके सामने आ जाएगी। इस टाइम पे आके जब मैंने 12 मिनट इसको इस फ्लेम पे पका लिया, मैल उतार ले, सात लुबान ये हकीम का आइटम है, सात लुबान भी हकीम से मिलेगा, तुखमे बिलंगो भी हकीम से मिलेगी और ये गोंद कतीरा भी हकीम से मिलेगा और ये जो संदल के लकड़ियां हैं ये भी हकीम से मिलेंगी। अब ये मैं 50 रुपये का लाया, इधर कर रहा मशमेर तरफ, ये 50 रुपये का है टोटल, कोई चीज़ महंगी नहीं है, ये सात लुबान 50 रुपये का मिला, गोंद कतीरा 50 रुपये का मिला, ये जो संदल की लकड़ियाँ हैं ये भी 50 रुपये की मिली, उसमें भी इस्तेमाल की बच भी गई, ये महंगी चीज़ें नहीं है, ये हकीम का आइटम है, आप ये फूड के केमिकल जहाँ से मिलते हैं उनका आइटम नहीं है। टीस्पून सात लुबान हाफ टी स्पून शामिल कर दें, नमक हाफ टी स्पून शामिल कर दें और इसको 4 से 5 मिनट मजीद पकने दें, 4 से 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसी कंडीशन दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बाबा जी काइंडली बताएंगे कि सात लुबान ये किस लिए यूज़ होता है? सात लुबान ये इस्तेमाल होता है कि ये इसको ख़राब नहीं होने देगा, किसी भी मशरूब में आप सात लुबान इस्तेमाल करेंगे ख़राब नहीं होगा। पहले मैंने इसके अंदर सैफिक एसिड यानी कि टार्टर इस्तेमाल की, टार्टर इसको जमने नहीं देगा, सात लुबान इसको देर तक महफूज रखेगा, इसके ऊपर वो जो काई वगैरह फूई सी आ जाती है वो नहीं आएगी आपके शरबत पर, ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ आप बात को समझा करें। और ये जो संदल की लकड़ी का मैंने इस्तेमाल किया, ये बहुत प्यारी खुशबू लेके आ रही है, अभी से पूरे घर में खुशबू फैली हुई है, अगर आप मेरे पास यहाँ पे मौजूद होते आप देखते आप कहते कोई चीज़ तैयार हुई है। और ये जो है गोंद कतीरा है, ये डली में भी मिल जाता है, मैंने पिसा हुआ लिया 50 रुपये का, ये इसकी थिकनेस में इजाफा करेगा, जो हमारा शीरा तैयार हो रहा है शरबत का उसकी थिकनेस में इजाफा करेगा। 4 से 5 मैंने कंप्लीट आपको गाइड करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप टेंशन ना लें, लेकिन कुछ हमारी मजबूरियां हैं, मामलात होते हैं कुछ लीगल, जिसकी वजह से हम किसी कंपनी का किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन लाल शरबत का नाम ले रहे हैं और तुम समझ गए हो कि मैं की कहना चाह रहे हैं। 5 मिनट के बाद मिलता हूँ आपसे। ये लें व्यूअर, ये तकरीबन 3-4 से 5 मिनट मैंने इसको पका लिया, ये एक तार का बन गया, एक तार में किसे कहता हूँ, ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें अंदर चपक रही है, ये देखें ये एक तार है, ये इसको मैं कहता हूँ एक तार का शीरा, ये हो गया, ये पक रहा है अभी। अब क्या करना है हमने, अफजा केवड़ा, केवड़ा सेंस अफजा, ये यहाँ पे कैमरामैन दिखा सके आपको, अफजा केवड़ा ये देखें, ये कड़वा होता है, खुशबू बहुत प्यारी होती है। अब आपने शामिल कितना करना है, 1 टेबल स्पून जस्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं,
इसे ज्यादा ना दाब देना, ये नहीं, बस इतना शामिल करना है हमने, ये मेयरमेंट इसी हिसाब से कीजिएगा, इस फार्मूले में इतना ही जाएगा बस, इससे ज्यादा डालेंगे कड़वे की तरफ चला जाएगा शरबत हमारा, ये शामिल कर दें, क्या ही बात है। अब इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, ये हमने डाल दिया अपना अफजा सेंस जो था, ये मेरे पास रेड फूड कलर है, ये इधर देखें, ये रेड फूड कलर है लिक्विड। अब ये मैंने कितना शामिल करना है, ये देखें अपने हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ये 1 टेबल स्पून ले रहा हूँ आपके सामने, जितना मुझे कलर चाहिए होगा, जितना आपको चाहिए होगा उस हिसाब से डालेंगे हम, थोड़ा सा डालें, ये देखें थोड़ा सा इसका कलर मुझे कम लग रहा है, और डालें, ये 1 टेबल स्पून मैंने फिलहाल डाल दिया, इसमें मुझे और जरूरत पड़ेगी मैं और डालूंगा कलर सेट करने के लिए, ये पक रहा है, अब इसका कलर कम है, इसमें कलर और जाएगा, ये 1 टेबल स्पून और भर लिए मैंने, जी ये लें, ये 2 टेबल स्पून अब ठीक हो गया, अब ये 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर रेड कलर शामिल कर दिया, और इसको मैंने 3 से 4 मिनट और पकाना है, 3 से 4 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मेरे भाइयों मिलता हूँ। ये लें व्यूअर, कलर और केवड़ा डालने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट इसको पका लिया, उसके बाद आप क्या करना है, मुझे ये देखें इस तरह का चाहिए, बस मुझे इस तरह का उतार लेना है आपने, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा क्योंकि इसने बाद में थिक हो जाना है ठंडा होने के बाद, ये बात आपके जहन में रहे, आप गाढ़ा करके इसको नहीं उतारिएगा, इस कंडीशन में जब यह आ गया फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, वेरी सिंपल। अब ये ठंडा हो जाए, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, ये ठंडा होने के बाद इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ, इसकी कंडीशन दिखाता हूँ, इसकी थिकनेस दिखाता हूँ, अब इसको ठंडा होने दें फुल, रूम टेम्परेचर पे ले आऊंगा फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, 25 से 30 मिनट हुए ये ठंडा हो चुका है, ठंडा होके कम्प्लीट ठंडा नहीं हुआ, ये अभी गर्म है, लेकिन मैंने रेसिपी को कम्प्लीट करने के लिए ये आपको दिखाने लगा हूँ, इसमें डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें, ये मजीद ठंडा होता जाएगा, थिकनेस में आता जाएगा, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, ये देखें, ये देखें इसकी थिकनेस देख लें, मुकम्मल तरीके से वही खुशबू वही जायका, आप इसे घर में बनाएं होममेड के लाल शरबत के नाम से कारोबार करें, बोतलों में पैक करें, ये आप थोड़ा सा और ठंडा होगा ये फिर थिक हो जाएगा, अगर आपने इसको थिक करके उतारा तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट आपको रेसिपी इसके साथ इसकी मैंने बता दी, कारोबार करें इसका, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं कोई भी नाम रखें अपने ब्रांड का, इसका कारोबार करें, बहुत प्यारा जो है ना इसका फ्लेवर निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गिलास ले लें, इसके अंदर आइस क्यूब डाल दें जितने आप पसंद करते हैं, ये इस तरीके से ये देखें, ये तुखमे बलंगो ये मैंने ले ली थी, 1/2 टीस्पून से भी कम थी ये, 50 रुपये की आई थी सारी, ये 50 रुपये की आई थी सारी, ये थोड़ा सा इसमें डालें ऐसे, थोड़ा सा इसमें डालें, क्या ही बात है, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा डालें इसमें, कोई मसला नहीं है, ये अपना लाल शरबत जो हमने नाम दिया ये उठाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डालें, थोड़ा सा इसमें डालें 2-3 टेबल स्पून, ऐसे, अब ठंडा पानी, चिल ठंडा पानी, इसको हिला दें अच्छे तरीके से नीचे तक, ताकि जो इसका शरबत वगैरह नीचे बैठा हुआ है, ये देखें, ये लें जी, ये कंप्लीट देखें, इस तरीके से आप इसको सर्व करें जो है ना, सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक बना हुआ है, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसे बनाएं, कारोबार करें, किसी भी चीज़ में इसको शामिल करें। बारहा दफ़ा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लाल शरबत की रेसिपी हमें दें, वो मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया, आप समझ रहे होंगे मैं लाल शरबत किसको कह रहा हूँ। अगर आपको हमारा ये कदम जो बाबा फूड ने उठाया है बेरोज़गारी के खात्मे को लेकर के, अगर हमें अच्छा लगा हो, आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो, मुझे दुनिया में जहाँ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में,
इसको शेयर कर दिया करें ताकि किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंच सके। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।